कहते हैं बुरा वक्त दस्तक देकर नहीं आता। सब बहुत खुश थे, फिर अचानक एक दिन एक बुरी खबर ने सबको हिला के रख दिया। चाइना में एक वायरस ने जन्म लिया है और वो तेजी से वहाँ के लोगों में फैल रहा है। ये वायरस काफी जानलेवा साबित हुआ है। चाइना समेत इटली और ईरान भी इस वायरस की लपेट में आ गए हैं। लाखों लोग इस वायरस का शिकार हो गए हैं और हजारों लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। आखिर ये वायरस कहाँ से आया और क्या नाम है इस वायरस का? सर लोगों को लगा कि वो इस कोरोना नामी वायरस से सेफ है, लापरवाही का ये आलम था कि ज्यादातर लोग सफाई में बे एहतियाती करने लगे। अगर हो सके तो कभी गौर करिएगा अपने आसपास के लोगों को, अपने करीब की सड़कें और गलियां, रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली खाने की चीजें, स्ट्रीट शॉप्स या ये बेचारे ठेले वाले और बहुत कुछ। फिर एक दिन इतनी दर्दनाक खबर सुनने को मिली। पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। अब कोरोना वायरस का शिकार सऊदी अरब भी हो गया है, जिसकी वजह से खाने काबा में भी तवाफ को रोक दिया गया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अब दीगर इबादत गाहों पर भी पाबंदी नाफिज कर दी जाएगी, जहाँ पर लोग ज्यादा बड़ी तादाद में जमा ना हो। वो मंजर देखकर बिल्कुल ऐसा लगा कि बस आज आ गई है कयामत। फिर कहीं जाकर लोगों ने इस कोरोना वायरस को सीरियस लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें डरना चाहिए, इस वायरस से अल्लाह की बात करनी चाहिए, हमें नमाजें पढ़ें, इस्तिगफार करें, ठीक है ना। अल्लाह राजी करने वाले काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, कोरोना से हिफाजत होगी, अल्लाह ताला हमें रहम करम फरमा देगा। मगर जब तक बहुत देर हो चुकी थी, हजारों लोग इस वायरस का शिकार हुए, मासूम जाने गई, लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। कैसे बचते इस जानलेवा कोरोना वायरस से? सफाई का खास ख्याल ना रख कर हम सब ने अपनी मौत को दावत दी थी, मगर शायद पूरी दुनिया के इंसान समझ जाएंगे सफाई निस्फ ईमान है।